और जितने भी इस आसपास के बैगा लोग हैं, बैगा लोग भी आ जाइए। महोदय आप ही आगे जाते राजकुमार सिंह और जितना भी नाम वरिष्ठ से अगर मेरे मुकाबले से छूट रहा होगा मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग आइए और अपना आदिवासी समाज का सहभागिता में पूरी जगत के साथ हमारा साथ दीजिए। यही आदिवासी संस्कृति, यही धरोहर, यही हमारा आज पहचान का नियम है। हम हमारे समाज के बहुत सारा शोषण होता रहा है। आज हम अपनी संस्कृति, अपने धरोहर को बचाने के लिए आज हमको रोड पे आना पड़ रहा है। ये बहुत दुख और कष्ट की बात है। आज हम अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें अपने इस उत्सव को आज राष्ट्र लेवल पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे नहीं, पूरे विश्व लेवल पे इस दिवस को बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूएनओ द्वारा घोषित आज पूरे विश्व के हर देश में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। नारा है जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा, जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा। आज पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो आदिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण, विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी, जिसका शाब्दिक अर्थ मूल निवासी होता है। आदिवासियों का अपना एक धर्म है। ये प्रकृति पूजक होते हैं और वन, पर्वत, नदियां एवं सूर्य देवता की आराधना करते हैं। अपना छत्तीसगढ़ राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत ही अद्वितीय और जीवंत संस्कृति है। इस राज्य में लगभग 35 से अधिक बड़ी और छोटी रंगों से भरपूर जनजातियां फैली हुई है। उनके लयबद्ध लोक संगीत, नृत्य और नाटक देखना एक आनंदमय अनुभव होता है जो इस राज्य की संस्कृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। पूरे विश्व के आदिवासियों की परंपराएं, वेशभूषा, लोक संगीत, खान पान एवं सभी में आपको एक रहस्यमय संसार में पहुंचा देती है। आदिवासियों या वनवासियों के तौर तरीके हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। चांद पर पहुंच चुकी इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो सदियों पुराना है और अपने उसी मौलिक रूप में जीवित है।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेताम जी, इनके बहुत अच्छे मार्गदर्शन हमारे सर्वाधिवासी समाज के लिए रहा है। फेरवार समाज से हमारे माननीय मोहन सिंह जी को पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष वर्तमान में इंद्रावतीपुर के सरपंच महोदय जी को वो आए और हमारे जितने भी आदिवासी भाई बंधु एकत्रित हुए हैं सबको एक मार्गदर्शन थे माननीय मोहन सिंह जी, जोरदार ताली से स्वागत करें। जोरदार ताली होना चाहिए, बहुत अच्छा भाषण, सबके अच्छे मार्गदर्शक हमारे पूजा पाठ हो रहा है, दशहरा महारानी का हम अगर मनाते हैं तो कहते हैं कि ले भाई तपावन आज देते हैं, देने का प्रथा है और इसी प्रथा को लेकर के हम आगे जाते हैं कि भैया हम अगर शराब छोड़ देंगे, दारू पीना छोड़ देंगे तो हमारा देवता कैसे मानेगा। अरे भैया देवता तो थोड़ी आप दे रहे हैं, देवता को दो बूंद देते हैं वहां, हम भी जानते हैं उसके बारे में। अगर शराब नहीं मिलता है तो महुआ का फूल देकर के भी हम उसके पितर को मना लेते हैं। और आप सभी को क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, सर्व आदिवासी समाज जिंदाबाद। यहाँ के देवता देवी की, ग्राम देवता की, दीवार बाबा की, दीवार बाबा की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, तो नहीं बात कर पाएंगे। या आप अगर गोली भाषा में उनसे पूछिए तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। पंडर घर जाइए, पंडवानी बोलिए, गोली बोलिए, वो पंडर बोलेंगे कुछ उत्तर नहीं देंगे आपको। तो ये क्या है, विलुप्त हो रहा है एक गोली, गोली इस प्रकार से विलुप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आज फेसबुक भी बिल्कुल चेंज हो जा रहा है।